हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका टाइटल है दो भाई। आगरा में लाल किले के पीछे नीम का एक पुराना पेड़ है। उस पेड़ पर कौवे रहते थे। बड़े का नाम था किश्नू और छोटे का नाम था विशु। यद्यपि वे दोनों सगे भाई थे पर उनके स्वभाव में काफी अंतर था। बड़ा भाई जितना सज्जन था तो छोटा उतना ही दुर्जन। भोर होते ही दोनों भाई भोजन की तलाश में उड़ चलते। किले के पीछे ही यमुना नदी बहती है। वहां प्रतिदिन स्नान करने वालों की भीड़ लगी रहती थी। स्नान करने वालों में महिलाएं भी होती। दोनों भाई वहीं बैठते, वे अपने बच्चों को भी साथ साथ नहलाती थी। नहाने के बाद बच्चों के हाथ में रोटी पूड़ी मिठाई आदि दे देती और स्वयं पालथी मारकर आंखें बंद कर पूजा पाठ करने बैठ जाती। विशु तो बस इसी मौके की ताक में रहता। वह पत्तों में छुपकर चुपचाप बच्चों को घूरता रहता। अपनी एक पुतली को कभी दाई आंख में तो कभी बाई आंख में घुमाता। जैसे ही उसे किसी बच्चे के हाथ में मिठाई पूड़ी पापड़ आदि दिखते तो वह झट से चुपचाप झपट्टा मारकर उन्हें छीन ले जाता। बेचारा बच्चा इस आकस्मिक हमले से भौचक्का रह जाता। वह टुकुर टुकुर कौवे को ऊंची डाल पर बैठकर अपना खाना खाते देखता। छोटे बच्चे तो जोर जोर से रोने ही लगते। उनके मुंह का गुस्सा दूसरे के मुंह में चला जाए, उनके पेट भूख से कुलबुलाते रहे तो भला वे रोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे। किसी न किसी बच्चे के तो विशु चोंच मारकर खून भी निकाल जाता था। बच्चा जब कस कर चीजें पकड़े तो विशु उसे झपटने के लिए यह तरकीब अपनाया करता था। किश्नू को विशु की यह बात तनिक भी नहीं भाती थी। जब विशु मासूम बच्चों के हाथ से चीजें छीनकर चटकारे भरकर खाता था तो किश्नू का मन जल उठता। उसने उसे लाख बार समझाया कि किसी को सताकर अपना पेट न भरो। दुखियों की आहें शाप ही देती हैं। ले सकते हो तो दूसरों की शुभकामनाएं और उनके आशीर्वाद ही लो। पर विशु पर इन सब बातों का कोई असर ना होता। उल्टे वह बड़े भाई की बात सुनकर मुंह बिचकाने लगता और कहता, अरे छोड़ो भी, क्या रखा है इन सब बातों में। थोड़ी सी ही तो है जिंदगी। जब तक जियो खाओ पियो और मौज मनाओ। चीज जिसके हाथ में है उसी की होती है। दूसरे की वस्तु जब हमारे हाथ में आ गई तो हमारी हो गई। किश्नू को उसकी ये बातें सुनना बहुत बुरा लगता। लगता भी क्यों नहीं, उसका स्वभाव तो इसके बिल्कुल विपरीत था। उसे किसी को सताना तनिक भी अच्छा नहीं लगता था। उसे तो अपने परिश्रम से कमाई गई सूखी रोटी ही मीठी लगती थी। जो कुछ भी कुछ उसे मिलता उसी को खाकर खुश रहता। उसने कभी किसी के हाथ से कोई चीज नहीं छीनी थी। वह कितना भी भूखा होता संतोष से चुपचाप बैठा रहता। बच्चे कभी कभी उसे एक आध टुकड़ा डाल देते या पीछे से बचा कुछा जो भी जमीन पर बिखर जाता उसी को खाकर वह मस्त घूमता। उसे कभी भरपेट खाना मिल जाता तो कभी वह भूखा ही रह जाता था, पर वह उसमें भी कभी असंतुष्ट नहीं होता था। अब तो बच्चे भी किश्नू और विशु को अच्छी तरह पहचान गए थे। वे इन दोनों का स्वभाव जान गए थे। बच्चे एक लंबा सा बांस लेकर बैठते, जैसे ही विशु को आते हुए देखते बांस फटकार देते। विशु भी कम चालाक न था। वह उड़ता हुआ आता और चुपचाप चीज छीन कर भाग जाता। इस काम में विशु बड़ा निपुण हो गया था। वह इतना खाना छीन लाता था कि ठूस ठूस कर दिन में कई बार खा लेता। इतना ही नहीं, कांव कांव करके दूसरे कौओं को इकट्ठा कर लेता और बचा कुचा खाना उन्हें दे देता। फल यह हुआ कि सब विशु के आगे पीछे फिरते, उसकी खूब झूठी प्रशंसा करते। अपनी ही तारीफ प्रशंसा सुनकर विशु मन ही मन फूल कर कुप्पा हो जाता था और तब दूसरे कौए उसे और भी चीजें हड़पने के लिए प्रोत्साहित करते। एक बार एक चालाक बच्चे ने विशु को मारने का उपाय सोचा। वह घर से लाल लाल फूले हुए रस भरे मालपुए लाया था। उसने बड़ी सावधानी से थोड़ा थोड़ा करके कटोरदान से निकाल कर पुए खाए। उस दिन विशु की एक न चली। वह ललचाई आंखों से उसे पुए खाते हुए देखता रहा। जब अंतिम पुआ बच गया तो बालक ने उसमें कुछ दवा लगा दी और जमीन पर रख दिया। विशु तो बस इसी मौके की ताक में था। उसने आव देखा न ताव, पुआ पंजों में दबाया और पेड़ पर आकर बैठ गया। पुआ उसे इतना अधिक स्वादिष्ट लगा था कि दो ही बार में गपागप करके खा गया। विशु आज इतना मीठा मालपुआ खाकर बड़ा ही खुश था।
पर थोड़ी ही देर में उसकी सारी खुशी धरी की धरी रह गई। धीरे धीरे उसका जी जोरों से मिचलाने लगा, गला प्यास से बुरी तरह सूखने लगा। विशु अब जोर से तड़फड़ाने लगा। उसने कांव कांव करके सारे ही कौओं को इकट्ठा कर लिया। विशु ने सारी स्थिति उन कौओं को बतलाई। लगता है तुम्हें किसी ने जहर दे दिया है, एक बूढ़े कौए ने कहा। उसकी बात सुनकर विशु जोर जोर से रोने लगा। ओह, मैं मरा, मुझे बचा लो, वह विलाप करने लगा। पर अफसोस कि किसी कौए का दिल न पसीजा। आग बचाकर चुपचाप धीरे धीरे एक एक करके वे सभी कौए वहां से उड़ने लगे। दर्द और अपमान से विशु छटपटा रहा था। कराहते हुए वह बोला, ओह, मैं तुम सबको खिलाने के चक्कर में इतना खाना इकट्ठा करता था, ना ऐसा करता, ना मेरी जान जाती। हमने कब कहा था कि तुम हमें दूसरों को सताकर खिलाओ? अपनी करनी का फल तो अब तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, तुनक्कर एक कौवी बोली। आंखें बंद किए विशु सोच रहा था, ये वही हैं जिनके लिए मैंने सब करनी अकरनी की। इनके वाहवाही पाने के लिए मैं दूसरों की चीजें हड़पता रहा। इनकी चापलूसी को मैंने अपनी प्रतिष्ठा, इनका प्यार और आदर समझा। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मृत्यु की इस घड़ी में इनकी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। ओह, कितना अच्छा होता कि मैं किष्णु दादा की बात मानता, सच्चाई के रास्ते पर चलता, बिना किसी का दिल दुखाए रूखी सुखी खाकर संतोष करता। पर अब पछताने से भी क्या होगा। दुख और पश्चाताप से विशु की आंखों से आंसू झरने लगे। अब उस पर बेहोशी छाती चली जा रही थी। उसी स्थिति में विशु को लगा जैसे कोई सिर को सहला रहा है। वह सोचने लगा कि यह मेरा भ्रम मात्र है, भला मुझ कुकर्मी की सहायता कौन करने लगा। सच है, बुरे काम का फल तुरंत नहीं मिलता, पर राख में जैसे आग दबी रहती है और समय पाकर वह भयंकर रूप धारण कर लेती है, वैसे ही कुकर्मों का फल कुछ समय बाद मिलता है, पर भयंकर रूप में मिलता है। तभी विशु को लगा जैसे कोई आवाज दे रहा है। विशु, आंखें खोलो। हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। देखा कि सामने किष्णु बैठा था। सहानुभूति पाकर विशु की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। लो इसे जल्दी से खा लो, कहकर किष्णु ने पंजे में दबाई हुई कोई जड़ी बूटी विशु को दे दी। विशु बेहोशी की सी हालत में उसे खाने लगा। बात यह हुई थी कि जब किष्णु नदी के किनारे खाना खा रहा था तो उसने दूसरे कौओं से यह बात सुनी कि विशु को किसी ने जहर खिला दिया है। वह मुंह का गस्सा वहीं छोड़कर तुरंत तेजी से उड़ा। जल्दी जल्दी में जड़ी बूटी ढूंढकर तोड़ी और हाफता हाफता विशु के पास पहुंचा। इतने में विशु को वमन हुआ और विषैला खाना पेट से निकल गया। धीरे धीरे बेहोशी भी दूर होने लगी। किष्णु ने उसकी बहुत सेवा की, दूर दूर से खोजकर सप्ताह भर उसके लिए जड़ी बूटी और खाना लाया। विशु तो इतना कमजोर हो गया था कि अपनी जगह से हिल भी ना पाता था। यदि किष्णु सहायता न करता तो वह मर ही गया होता। इस घटना के बाद से तो विशु का स्वभाव एकदम ही बदल गया। वह अच्छी तरह से समझ गया कि धूर्तता और चालाकी से नहीं, ईमानदारी और सच्चाई से चलने में ही अंत में सुख मिलता है। जीवन का सच्चा आनंद वही पा सकता है जो सहानुभूति और प्रेम भरे व्यवहार से दूसरों का स्नेह और आशीष पाता है। अपने बुरे व्यवहार से औरों का दिल दुखाने वाला अंत में स्वयं भी कष्ट निश्चित ही भुगतता है। अब जब भी किष्णु और विशु की कोई बात चलती तो सभी कौए यही कहते कि दोनों भाई रंग रूप में ही नहीं, स्वभाव और गुणों में भी एक से ही हैं। यह सब सुनकर विशु गर्व से अपना शरीर फुला लेता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और जो कुछ मिलता है उसी में संतोष करना चाहिए। ओके, बाय।